पिछले कुछ दिनों से सेना आतंकियों के फन को कुचलने के लिए उसके मांड में घुसकर मार रही है। आतंकियों के साथ सेना ने आर पार की लड़ाई तेज कर दी है। सेना किसी भी हाल में आतंकियों के मंसूबों को कुचलना चाहती है, इसलिए जम्मू कश्मीर पर बुरी नजर डालने वाले आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। पिछले 72 घंटे में सेना ने घाटी में 16 आतंकियों को मौत की नींद सुला दी है। आतंक के उन आकाओं को कड़ा संदेश दिया है कि सीमा पर आओगे तो ऐसे ही बेमौत मारे जाओगे। हिंदुस्तान की धरती को बेगुनाहों की खून से लाल करोगे तो सेना ऐसे ही आतंकियों की कब्र खोदती रहेगी। सेना अपने हौसले से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सेना के जवानों ने शोपिया में 6 और कुलगांव में 4 आतंकियों को मार गिराया। वही शुक्रवार को अनंतनाग में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इसमें वो आतंकी शामिल है जिसने पत्रकार सुजात बुखारी की हत्या की थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया शोपियन के हीपुरा बटागुंड विलेज में। इस ऑपरेशन में 6 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। इनमें से 4 एचएम को बिलोंग करते हैं और 2 लश्कर को। सबसे बड़ी बात इस ऑपरेशन की है कि इसमें एचएम और लश्कर दोनों के ही डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स मारे गए हैं। इनसे बड़ी भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है और बाकी इस केस की तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर में खून की होली खेलने वाले आतंकियों को करारा जवाब दिया जा रहा है। पिछले 72 घंटे से लगातार सेना आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर कब्रिस्तान में काट रही है। रविवार सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर कर ढेर किया। पहले कुलगाम और फिर शोपिया जिले में आतंकी की लाशें बिछाई गई। कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। वहीं शोपिया में सेना और आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। सेना की कार्रवाई से बौखलाए पत्थरबाजों ने एनकाउंटर स्थल से लौट रहे सेना के जवानों पर जमकर पत्थरबाजी की। कपरान बटागुंड क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बाद जब सेना के वाहन वापस लौट रहे थे तभी प्रदर्शनकारियों ने उन पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए। दर्जनों पत्थरबाजों ने सेना के वाहनों पर पत्थर बरसाए। नकाबपोश पत्थरबाज चंद पैसों के चलते अपनी जमीर का सौदा कर रहे हैं, नफरत की दुकान चलाकर कश्मीर की जिंदगी जहन्नुम में डाल रहे हैं। सेना की लगातार कार्रवाई और साथियों की मौत के बाद आतंकी बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि आतंकवादियों ने पिछले हफ्ते सुरक्षा बलों का मुखबिर होने के शक में 2 लोगों की हत्या कर दी थी। सेना ने 16 आतंकियों को कब्र में गाड़ कर अपने देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों का बदला ले लिया। जब जब आतंकी हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालते रहेंगे सेना उनके मंसूबों को ऐसे ही पस्त करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।